स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में स्टूडेंट हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस के अंदर किस टाइप की इंटरेक्शंस है उसके बेस पे कोलाइडर सॉल्यूशन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल। इसके बहुत सारे नाम है, पेपर में मैंने पहले मेंशन कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एसोसिएटेड कोलाइड, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड भी कराने वाला हूँ। ये अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हैं तो बताए यहां से आज के वीडियो में से आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन सीबीएसई में या हरियाणा बोर्ड या अदर बोर्ड के अंदर आपको मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है अपने आप में आज का, मगर इनके अलग अलग नाम आते हैं। सीबीएसई में जो क्वेश्चन मिलेंगे एक ही नाम से नहीं मिलेगा, लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सोल। रिवर्सिबल सोल क्या होता है? इरिवर्सिबल। अगला जो स्टूडेंट, इसे और हम क्या बोल सकते हैं ध्यान से देखिए, इसी का जो दूसरा नाम है वो इसका एक नाम होता है हाइड्रोफिलिक सोल और हाइड्रोफोबिक सोल। मगर ये वर्ड हम केवल तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो, अगर कोई और है तब ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। इसी का एक नाम और भी हम कर देते हैं क्या, इंट्रिंसिक सोल एंड एक्सट्रिंसिक सोल। अब आप कहेंगे सर इतने सारे नाम क्यों हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। मैं वन बाय वन हर एक का मीनिंग आपको क्लियर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस नाम से पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफरेंस और ये नाम क्यों दिए गए वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम बात कर रहे हैं लायोफिलिक की। तो लायो माने स्टूडेंट क्या होता है, लिक्विड, और फिलिक माने क्या होता है, जो लव करता है, लविंग, लिक्विड लविंग। तो जो लिक्विड लविंग सोल्यूशन कोलाइडर सोल्यूशन होते हैं, अब लिक्विड लविंग का क्या मतलब हो गया, जैसे स्टार्च है, स्टार्च को आपने वाटर में डिजोल्व किया तो हो जाएगा। इसी तरह ग्लू है, ठीक है ना, जिलेटिन है, इनके जो मिक्सचर बनेंगे, अब ये वाटर के साथ क्या करते हैं, इजिली इंट्रेक्शन कर लेते हैं। अब इतनी इजिली भी नहीं करते, मान लो आपने, अब आप कहेंगे सर फेविकोल ले लो, आप घर में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फेविकोल को पानी में घोलोगे तो क्या घुलेगा, आपने सर नॉर्मली नहीं घुलेगा, मगर अगर मैं पानी को गर्म कर दूं तो वो उसमें आराम से घुल जाएगा। घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक सोल। ठीक है, ग्लू हो गया, गम हो गया, तो वहां से हमारे पास क्या हो गया, लायोफिलिक सोल बन जाता है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रेक्शन, ये आपस में दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, तो बन जाएगा। मगर अगर इसी की जगह, अब लायो माने लिक्विड और फोबिक माने हेटर, जो हेट करता है, यानी इजिली डिजोल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो सिंपल मेथड से बन जाते हैं। ये क्या है, जस्ट हमने मिलाया इसलिए सिंपल मेथड से बन जाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सोल, यानी बस दोनों को मिलाया, घोला, बन गया। ये इतने सिंपली नहीं बनते, दे आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल मेथड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोलाइड मिल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रेडिकार्क मेथड, जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर मैं इनकी प्रेपरेशन सिखाऊंगा कि इनको कैसे बनाते हैं। तो इनके लिए स्पेशल मेथड है, इनको तो क्या है, जस्ट पानी गर्म करो या जो भी आपका डिस्पर्शन मीडियम है उसमें डाल के घुल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। मगर ये क्या स्पेशल मेथड से बनते हैं, इन्हें बाहर से हमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सोल। तो एक एक नाम भी क्यों पड़े हो मैं आपको बताता रहूंगा। हाइड्रो माने वाटर है, अगर वाटर को हीट कर रहा है तो हाइड्रोफोबिक सोल, और वाटर को लव कर रहा है तो हाइड्रोफिलिक सोल कहते हैं इसे हम। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए, आपने क्या किया, स्टार्च को वाटर में डिजोल्व कर लिया, कोलाइडर सोल्यूशन आपके पास बन गया। अब मैंने क्या किया, इवेपोरेशन कर दी, किसकी, वाटर की।
अब मेरे को स्टार्च क्या मिल जाएगा, दोबारा मिल जाएगा आपने? यस सर, आपको दोबारा स्टार्च मिल जाएगा। अब उसी स्टार्च को मैं दोबारा किसी पानी में घोल के क्या फिर मैं दोबारा लायोफिलिक सोल बना सकता हूँ स्टार्च का? आप कहेंगे सर बना सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, रिवर्सिबल सोल। हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके दोबारा सोल्यूशन बना सकते हैं। मगर जो ये है, अब आपने सर इसमें आपने एग्जाम्पल तो दिया है, तो एग्जाम्पल क्या थे, मेटल की, मेटल एंड देयर सल्फाइड्स के जो सोल बनते हैं स्टूडेंट, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लायोफोबिक। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, ठीक है ना, सोने का पानी कहते हैं ना, पानी में सोना तो डिजोल्व होता नहीं, होता तो ये रोज हम नहाते हैं तो गल जाना चाहिए, मगर डिजोल्व नहीं होता, सिंपल मेथड से नहीं होता, मगर स्पेशल मेथड में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, सल्फर सोल। तो ये जो हमारे सोल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, लायोफोबिक सोल, दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। अब मान लीजिए मेरे पास गोल्ड सोल बनाया, सिल्वर सोल बनाया, पहली बात तो मैं इसके डिस्पर्शन मीडियम को इजिली सेपरेट नहीं कर सकता, और अगर मैंने कर भी दिया तो मुझे एज इट इज डिस्पर्स फेज नहीं मिलेगा कि मैं उसको दोबारा उसमें घोल के दोबारा वही सोल्यूशन बना दू। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल सोल। इसलिए इसका एक और दूसरा नाम क्या है, इरिवर्सिबल सोल भी है। तो ये सारे नाम क्यों पड़े हुए मैंने आपको समझा दी। अब अगला जो क्वेश्चन उत्तर है यहाँ पे कि इन दोनों में से सर स्टेबल कौन है, तो ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, सिंपल मेथड बंद है। ये क्या है, लेस स्टेबल है। अब ये मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी इजिली प्रेसिपिटेशन नहीं होती, इजिली प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, कब, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर। इसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इजिली प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, तो इसलिए मोर स्टेबल होता है। ये लेस स्टेबल होता है, इजिली प्रेसिपिटेटेड, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जब मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, कोगुलेशन, इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा। ये क्या, इजिली कोगुलेट कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, कब, विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब मैं स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होती है, कोगुलेशन होती है, या फिर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक सोल। तो लायोफोबिक सोल क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ये मोर स्टेबल। एक रीजन और भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ लव करे वाटर को, यहां पे हाइड्रेशन ज्यादा होगी, मोर हाइड्रेटेड, ये क्या होते हैं, मोर हाइड्रेटेड होते हैं, ये लेस और नॉट हाइड्रेटेड। तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ये सारे डिफरेंस मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहे हैं, इनको आप नोट डाउन करते रहें तभी आपको ये समझ आएंगे। अब अगला मैं बड़ा और इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट समझाता रहूंगा, और आप देख रहे होंगे कि मैं सिंपली बातचीत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और आपने भी इसको बातों बातों में क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं और क्या, अब एक छोटा सा दिमाग में एग्जाम्पल सोचिए कि मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैंने स्टार्च को घोला, स्टार्च का सोल्यूशन हो गया, तो उसकी विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ेगा, अब वो गाढ़ा बनेगा सोल्यूशन, वाटर क्या था, थिन पतला था, है ना, तो विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो लायोफिलिक सोल में जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो क्या करती है स्टूडेंट, इंक्रीज कर जाती है डिस्पर्शन मीडियम की से, इनका डिस्पर्शन मीडियम के कंपैरिजन जो लायोफिलिक सोल है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मगर इस केस में ऑलमोस्ट सेम। आप समझ सकते हैं पहली बात तो पानी में या डिस्पर्शन या गोल्ड सोल पहले तो भूलेगा नहीं, और भूलेगा तो नाम मत थोड़ा बहुत भूलेगा, तो उससे उसकी विस्कोसिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे विस्कोसिटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। अब अगली बात, अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन इस केस में डिक्रीज कर जाता है, सरफेस टेंशन क्या कर देता है, डिक्रीज, मगर यहां पर वही वाली बात ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल, जो कि मैंने आपको डिटेल में कराया है। अब इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं एसोसिएटेड कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोल। राइट, हमने अभी बात की थी लायोफिलिक कोलाइडर सोल और लायोफोबिक कोलाइडर सोल, जो आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये किसके बेस पे है, क्लासिफिकेशन
ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो मेरे पास एक डिस्पर्शन मीडियम यानी एक तरह से मेरा सॉल्वेंट हो गया और डिस्पर्स फेज एक तरह से मेरा सॉल्यूट हो गया, तो जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल का क्या नेचर है उसके बेस पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, हम कोलाइडल सॉल्यूशन को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। और याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने इसलिए इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिख दी है, बच्चे लेक्चर में समझ तो लेते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिख पाते हुए मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बस ये समझ लो कि कल जब आप इसे लिख रहे हैं उसी टाइम आप इसे क्या करें याद कर लें, क्योंकि ये इन तीनों में से एक ना एक अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो इनमें से मैक्सिमम डेफिनेशन हर साल कुछ कोई ना कोई एक डेफिनेशन आ जाती है, और कई बार दोनों और कई बार तीनों के बीच में डिफरेंस भी आ चुका है। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसे सीखेंगे। तो हम बात कर रहे थे मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड। केमिस्ट्री की एक खास बात मैंने हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आपके इसके नाम को, अगर जो ये नाम है अगर इसको ध्यान से इसका हिंदी वर्जन कर लो तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, समझने की कोशिश करिए, मल्टी का मतलब बहुत सारे, यानी कि जब बहुत सारे मोलिक्यूल आपस में मिलकर कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे तो उस टाइम जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, यानी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज क्या एक नैनोमीटर से कम है मगर वो आपस में इकट्ठे होकर एक ऐसा पार्टिकल बना दे बड़ा जिसका साइज एक नैनोमीटर से हजार नैनोमीटर के बीच में लाई करे तो वो क्या कहलाएगा मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। जैसे कि डेफिनेशन क्या कहोगे ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम एग्रीगेट टूगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर, या आप ये कह सकते हो हैविंग साइज इन द रेंज ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। अब बात आती है सर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आएगा सल्फर सोल, इसी तरह इसका एग्जाम्पल आएगा गोल्ड सोल। तो गोल्ड सोल की जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड के यानी गोल्ड के छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइन करके एक गोल्ड सोल बनाते हैं। इसी तरह सल्फर सोल S8 के लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं सल्फर सोल बनाते हैं। तो जो एक सल्फर सोल हो गया गोल्ड सोल हो गया इनकी जो फॉर्मेशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या देखो बेटा मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड, मैंने कहा ना क्रैम नहीं करना थोड़ा समझ आए, मैक्रो माने बड़ा। अब ऐसे पार्टिकल जिनका साइज बड़ा है, किससे बड़ा है हजार नैनोमीटर से, 1000 नैनोमीटर से क्या साइज बड़ा है, मगर जब हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो जो बड़ा साइज का मॉलिक्यूल है वो टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पार्टिकल का साइज एक नैनोमीटर से अगर हजार नैनोमीटर के बीच में लाई करता है तो उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो मोलिक्यूल्स हमारे सिलेबस में कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है मैक्रो मोलिक्यूल है, ये क्या है नेचुरल है। सिंथेटिक की बात करें जो पॉलीमर होते हैं पॉलीथीन पॉलीस्टाइरीन ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं सिंथेटिक। तो जब इनको हम डिसॉल्व करते हैं जैसे स्टार्च है, स्टार्च का जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। होता क्या है सॉल्यूशन इन विच मैक्रो मोलिक्यूल्स ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म कोलाइडल रेंज सॉल्यूशन, तो हम उसी को क्या बोल देंगे स्टूडेंट मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। अब नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलाइड, नाम से बता रहा है एसोसिएट होंगे यानी इकट्ठे होंगे, एसोसिएट कोलाइड का मतलब क्या होगा इकट्ठे होना। अब क्या होता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि अगर मैं बात करूं सोप एंड डिटर्जेंट्स आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर सोप और डिटर्जेंट्स की स्टूडेंट में बात करूं तो सोप और डिटर्जेंट्स अगर आपने देखा होगा कई बार मान लो एक बाल्टी पानी है मैंने उसमें एक चुटकी सरफ डाल दिया तो क्या होगा कुछ नहीं होगा, या आधा चम्मच सरफ डाल दूंगा तो क्या होगा क्या वो क्लींजिंग एक्शन शो करेगा क्या कपड़ों को साफ करेगा नहीं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई सर्फ खरीद के लाते हैं या कोई डिटर्जेंट खरीद के लाते हैं तो उसके पैकेट पे क्या लिखा होता है यानी हाफ फॉर हाफ बकेट वन स्पून ठीक है ना इस तरह से लिखा होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा होता है, अगर उससे कम अमाउंट हम लेते हैं इट जस्ट बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोलाइट।
तो इन सब सम सब्सटेंस एट लो कंसेंट्रेशन एक्ट एज ए ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसेंट्रेशन मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर हम उसको ऐड करते हैं तो दे फॉर्म माइसेल्स, ये माइसेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड बनाते हैं, एग्रीगेट पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड माइसेल्स। तो जब हम एक लार एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन का सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे जो पार्टिकल है सर्फ और डिटर्जेंट है जितना एक पर्टिकुलर लिमिट क्या रखा भी हाफ बकेट में इतना चाहिए हमने उतना डाल दिया उससे ज्यादा डाल दिया तो वहां पे क्या होगा एग्रीगेट पार्टिकल्स, पार्टिकल एग्रीगेट होकर क्या करेंगे माइसेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, ये माइसेल्स जो होंगे इनके इनकी कैटेगरी इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी कोलाइडर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइडर, दीज आर नोन एज एसोसिएटेड कोलाइडर। एग्जाम्पल्स में आप इसका कहते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के जो सोल्यूशन होते हैं उसी को हम एसोसिएटेड कोलाइड करते हैं, मगर वो भी क्या है लिमिट है। अब जिस टेम्परेचर पर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आ चुका है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है टी के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट वो टेम्परेचर जिसपे माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच माइसेल्स फॉर्म इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट क्या है सीएमसी, सीएमसी की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपको कहा कि ये नहीं कि भाई आपने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया पानी में तो उससे माइसेल्स की फॉर्मेशन नहीं है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से जब अबव कंसंट्रेशन होगी तभी माइसेल्स की फॉर्मेशन हो, वो कंसंट्रेशन जिसमें माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। और सोप और डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10^-3 to 10^-4 मोल पर लीटर होती है, तो ये इसकी क्या है क्रिटिकल क्राइस क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो स्टूडेंट कल जो मैं आपको एक लेक्चर देने वाला हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन, कि माइसेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ दे यूज इन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ क्लोथ, जैसे हम कपड़े धोते हैं जो क्लींजिंग एक्शन है सोप और डिटर्जेंट्स का उसका मैकेनिज्म क्या है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और अगर किसी पॉइंट पे आपका दिमाग में लगता है डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जिस स्टूडेंट ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबा रखा बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।